कहें तो मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, महज कुछ घंटे बचे हैं, मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल जी, परीक्षार्थी परीक्षा दे देते हैं, परिणाम से पहले जो घबराहट होती है, जो इंतजार होता है, एक परीक्षार्थी आप भी हैं इस बार के चुनाव में, कैसा लग रहा है, कितना प्रतीक्षा हो रहा है? नहीं, प्रतीक्षा तो बिल्कुल तय है, इसमें प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय निर्धारित है। 23 तारीख को प्रातःकाल से मतगणना प्रारंभ होगी, ये तय है, तो फिर इसमें प्रतीक्षा की नहीं है। तो 23 तारीख आने में, आप मतगणना प्रारंभ होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो होगी। और जहाँ तक रहा कि पूरे समय तक हम सब लोगों ने, कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत किया है, तो जो पोलिंग बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, तो उससे मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत काफ़ी अंतर से झारखंड में इस बार होने जा रही है। और इस कारण से हमें ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के किसी को भी कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है। रिलैक्स मूड में बाबूलाल जी बैठे? हाँ बिल्कुल, आपके सामने बैठे हुए हैं हम तो। क्या आंकड़े संभावित हैं, जो फीडबैक मिले हैं, आंकड़े क्या हो सकते हैं? देखिए, हम लोग प्रारंभ से ही कर रहे थे कि पिछले लोकसभा चुनाव में 51 सीटों पर NDA गठबंधन ने लीड किया था। हमने उसी समय से कहा था कि भाई 51 सीट के लीड को तो हमें मेंटेन करना और उसे प्लस हमें करना। इस वक्त जो चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो हम लोगों ने फीडबैक लिया कार्यकर्ताओं से, जो हमारे बूथ स्तर पर कार्यकर्ता थे, मंडल स्तर पर कार्यकर्ता थे, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर जो लोग काम कर रहे थे, तो इन सबों से जो जानकारी प्राप्त की है, तो 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन को इस बार आ रही है। जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरा, लोगों को कितना पसंद आया, कितना समर्थन मिला? देखिए, मुद्दा बिल्कुल पसंद है लोगों को, क्योंकि हम अपनी मुद्दा, हम लोगों ने कुछ भी नहीं तय किया, जनता की मुद्दा थी। अलग अलग क्षेत्रों में जनता ने जिन मुद्दा को उठा रहे थे, उसको लेकर के जो आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन सारे मुद्दों को हम सब ने इकट्ठा किए और उन्हीं मुद्दों को लेकर के फिर जनता के बीच गए, तो जनता को लगा कि ये तो हमारी सब मुद्दा है, कोई पार्टी के मुद्दा है नहीं, और हमारी मुद्दा को ही सॉल्व करना है, इन समस्याओं को समाधान करना भारतीय जनता पार्टी गारंटी दे रही है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग मुखातिब हुए। युवाओं में जो आक्रोश था, जो रोजगार के विषय थे, सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि वही प्रभावित किया है लोगों। लेकिन युवा भी एक बड़ा हिस्सा थे, और युवाओं के जो पिछले 5 वर्षों में जो उन लोगों को कठिनाई हुई है, जितना भी जो परीक्षा हुए, चाहे GPSC से, JCC से, हर एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ, और पेपर जब लीक हुआ तो लड़के सड़क पर आंदोलन किया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते, लड़के परेशान रहे एक प्रकार से। सरकार में बैठे हुए लोगों ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, सरकार बनेगी तो पहली आपको गारंटी दी जाती है कि जो 2,87,500 पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है, उसको समयबद्ध तरीके से उसको भर दिया जाएगा, 1 साल के अंदर में 1 लाख की बहाली तो हो जाएगी और शेष की बहाली भी हो जाएगी। और साथ ही हम लोगों ने कहा कि उसकी बाजाब्ता कैलेंडर जारी कर दी जाएगी, कब एग्जाम, कब वैकेंसी निकलेगा, कब एग्जाम होगा और कब रिजल्ट होगा, कब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और बच्चे को इस पर विश्वास हुआ। और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए, NDA गठबंधन के लिए जगह जगह लोग घूम घूम करके लोगों ने काम किया। इस बार जो सत्ताधारी दल हैं वो एक आंकड़े पेश कर रहे हैं कि 59 सीटों पर उनकी जीत तय है और जो बाकी सीट है उस पर BJP संघर्ष कर रही है, इसको किस रूप में? अब कल तक उनको भी बतानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, कुछ घंटे के बाद तो सब कुछ सामने आ जाएगा। एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने उठाया, घुसपैठियों का, संथाल में क्या ये मुद्दा जो है जादुई आंकड़े लेकर के BJP को देगी? नहीं, निश्चित रूप से संथाल प्रगति ही नहीं, पूरे झारखंड का यह मुद्दा है, वैसे तो पूरा देश का मुद्दा है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से संथाल प्रगना बंगाल बांग्लादेश से करीब है,
तो पहले वहाँ लोग घुसपैठ करते हैं, फिर अन्य हिस्सों में भी लोग जाते हैं, और उसका दुष्प्रभाव सबसे अधिक आदिवासी समाज पर पड़ा है। अब वो लोग सोचने के लिए विवश हुए हैं, अब वो लोग देख रहे हैं कि नहीं, झारखंड को अगर कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकता है, एनडीए गठबंधन बचा सकता है। तो लोग साथ जुड़े हैं, साथ चले हैं, तो आप इंतजार करिए। एनडीए की एकजुटता, और बाबूलाल जी चुनाव से कुछ दिन पहले जो बीजेपी के लोग भी कुछ बागी हुए, जो नाराज हुए, सबने जो एक साथ मिलकर आखिर वक्त में काम किया, क्या इससे बहुत बदलाव या फायदा दिख रहा है? नहीं, स्वाभाविक है, जब दल में जो साथ काम करते हैं और बड़े लीडर, बड़े नेता या कोई कार्यकर्ता प्रमुख अगर चुनाव लड़ जाते हैं विरोध में, तो थोड़ा बहुत मुश्किल तो पैदा करते ही। इसलिए हम सब लोगों ने अंत समय तक कोशिश किया था, भाई सबको एक झंडे के तले जैसे थे, और प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये बातें सबको अब समझ में आने लगी। फिर काफी लोग जुड़े, एक आध दो इधर उधर रहे थोड़ा ही, नहीं तो सब लोग फिर अंत तो गत। एक आरोप लगता रहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के पीछे कई राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम शक्तियां लग गई उन्हें हराने के लिए, लेकिन फिर भी वो डिगा रहा, इसको किस? नहीं, उनको हराने के लिए नहीं लगे, हम लोग सब लगे हुए थे भाई झारखंड बचे, बीजेपी जीते, उसके लिए लगे हुए थे। धनवार की क्या स्थिति है, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? नहीं, झानवार में बड़ी अच्छी स्थिति है, धनवार जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्या झारखंड का नेतृत्व बाबूलाल जी मरांडी करने के लिए फिर से एक बार तैयार हो चुके? देखो, प्रदेश अध्यक्ष तो है ही, नेतृत्व कर ही रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, तो हमने बार बार कहा कि विधायक कल चुने जाएंगे, और विधायक चुन के जब आएंगे तो विधायक दल की मीटिंग होगी, और फिर उसमें नेता चुने जाएंगे, और उस समय आप सब लोग को बता दी जाएगी कौन हमारे नेता होंगे। तो महज कुछ घंटे बचे हैं चुनाव परिणाम आने में, ऐसे में बाबूलाल मरांडी आश्वस्त होकर, निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, चुनाव परिणाम का प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। अपने सहयोगी गौरव के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।